प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन स्टॉक मार्केट्स ओवर वैल्यूड है, खासकर मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप के स्टॉक्स। तो जब भी कोई स्टॉक मार्केट ओवर वैल्यूड होता है तो उसे गिरने का बहाना चाहिए होता है, और इस साल बहुत सारा बहाना मिला भी है जिसके कारण स्टॉक मार्केट पे कभी कभी प्रेशर भी आया है। लाइक ना, कुछ डेटा आया, यूएस में रिसेशन आ सकता है ऐसा लगा तो उस समय प्रेशर बना। उसके बाद जापानीज येन बेस्ड जो कैरी ट्रेड होता है उसके कारण भी स्टॉक मार्केट पे प्रेशर आया था। उसके बाद ऑफकोर्स जियोपॉलिटिकल टेंशन है, तो ये कुछ मेन रीजंस थे। तो इस वीडियो में मैं आपको दो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। फर्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो आप बोल सकते हैं कि फ्यूचर में शायद उसके कारण वर्ल्ड वाइड स्टॉक मार्केट्स गिर सकते हैं। इमीडिएटली ये नहीं होगा, लेकिन हाँ, आने वाले फ्यूचर में वो हो सकता है। और सेकंड इन्फॉर्मेशन में मैं आपको एक ऐसे टॉप कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। हमारा आज का फर्स्ट अपडेट है कैरी ट्रेड से रिलेटेड। ऑफकोर्स ये जापानीज येन से रिलेटेड नहीं है, यहाँ पे कोई दूसरा करेंसी है जिसके कारण फ्यूचर में शायद स्टॉक मार्केट्स पे प्रॉब्लम आ सकता है। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि ये कैरी ट्रेड होता क्या है। तो देखिए, सिंपल टर्म्स में अगर आप बोले तो ना, किसी को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, उसके पास पैसा नहीं है फिलहाल, तो आप में से कुछ लोग शायद ऐसा करते भी हो, तो कुछ लोग पर्सनल लोन ले लेते हैं, कुछ लोग टॉप अप लोन ले लेते हैं और उसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे थॉट प्रोसेस ये होता है कि जो भी हम लोन ले रहे हैं, मे बी 10% 14-15% के रेट से, तो जो भी इस तरह का लोन लेकर इन्वेस्ट कर रहा है स्टॉक मार्केट में, वो ये सोचता है कि ना 14-15% पे मैंने लोन लिया या फिर 10-12% पे मैंने लोन लिया तो मैं इससे ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर पाऊंगा स्टॉक मार्केट से, तो जो भी रिटर्न आएगा उससे मैं लोन भी चुका दूंगा और मेरा कुछ रिटर्न भी बन जाएगा। ये थॉट प्रोसेस है। तो देखिए, कैरी ट्रेड यही होता है। जहां भी इंटरेस्ट रेट कम है, मतलब जिन कंट्रीज में आपको सस्ते रेट पे पैसा मिल रहा है, वहां से पैसा उठाइए और वह दूसरे मार्केट में, दूसरे कंट्री के मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए जहां की आपको रिटर्न ज्यादा मिल रहा है। तो यहां पे जिस करेंसी की मैं बात बोलने जा रहा हूं वो है युआन। युआन का अगर आप ना आउटसाइड वर्ल्ड में इन्वेस्टमेंट्स देखेंगे तो एक एस्टिमेट के अनुसार अबाउट 2 trillion US dollars के आसपास उनका पैसा निकला हुआ है। 2 trillion US dollars, ह्यूज अमाउंट। चाइनीज इकोनॉमी का अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो कोविड के समय से ही बिल्कुल डाउन एंड आउट है। ना कोविड के समय तो खैर वर्ल्ड वाइड सभी जगह प्रॉब्लम हुआ था, उसके कारण इंटरेस्ट रेट बहुत कम किया गया था, उसके बाद जब इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाने लगा। लेकिन अभी भी ज्यादातर इकोनॉमीज में देखें तो इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है। इंडिया तो अभी कट ही स्टार्ट नहीं किया है, यूएस में भी कट स्टार्ट नहीं हुआ है, जहां स्टार्ट भी हुआ रिसेंटली हुआ है, लेकिन चाइनीज इकोनॉमी को अगर आप देखेंगे 2022 से ही वहां रेट कट हो रहे हैं। 22 में हुआ, 23 में हुआ, 24 में भी हुआ, और जब ये यूएस रेट कट स्टार्ट करेगा तो वहां पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं चाइना में और भी रेट कट होगा, क्योंकि वहां का इकोनॉमी बिल्कुल डाउन एंड आउट चल रहा है ना। डबल डिजिट ग्रोथ अब तो 5% मुश्किल से आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि इस रेट कट के कारण वहाँ का जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत कम हो गया है। लाइक 10 ईयर का अगर इंटरेस्ट रेट देखेंगे फिलहाल तो 2.17% है, और अगर यूएस का इंटरेस्ट रेट चेक करेंगे आप तो ऑफकोर्स 5% प्लस हो गया था, रिसेंट टाइम्स में भी 4% प्लस था, बट हाँ अब घटकर अबाउट 3.84% हो गया यूएस का 10 ईयर। लेकिन अभी भी इन दोनों इकोनॉमीज के 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी का यील्ड देखेंगे तो अबाउट 1.67% का डिफरेंस है। तो आपको लग सकता है ना, सिर्फ 1.67% का डिफरेंस, ये तो कोई बड़ा बात हुआ नहीं, लेकिन जब आप बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे मिलियंस और बिलियंस में, तो ये थोड़ा सा जो गैप है इंटरेस्ट रेट का ना, ये बहुत बड़ा अमाउंट मैटर करता है यहाँ पे। इस थोड़े से मार्जिन से भी आपका जो पैसा है वो बहुत डिफरेंस आता है वहाँ पे। तो इसीलिए काफ़ी सारा पैसा चाइना से निकला और दूसरे मार्केट्स में गया, और ज़्यादातर यूएस में, आपको पता है यूएस में सेफ्टी है, तो थोड़ा अगर इंटरेस्ट कम भी वहाँ मिल रहा है लेकिन बिकॉज ऑफ सेफ्टी, सबसे बड़ा इकोनॉमी है, कई बार मैंने आपको बताया है ना, वहाँ सेफ्टी सबसे ज़्यादा माना जाता है, तो इसीलिए वहाँ बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट हुआ। तो बोला जा रहा है एस्टिमेट के अनुसार कि 2 trillion US dollars के आसपास का पैसा बाहर निकला है
तो अगर ना इस तरह का, अगर मान लीजिए यूएस में इंटरेस्ट रेट कट होना शुरू होता है, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सितंबर से शायद स्टार्ट होगा, तो वहाँ वहाँ पे क्या होगा कि इंटरेस्ट रेट कम जब होने लगेगा तो वहाँ का इंटरेस्ट रेट और चाइना का इंटरेस्ट दोनों का जो डिफरेंशियल है वो कम होने लगेगा। तो वहाँ पे जिसने भी चाइना में लोन लेकर अपना इन्वेस्टमेंट वहाँ किया है तो फिर धीरे धीरे वो पैसा निकालने लगेगा यूएस मार्केट से, क्योंकि चाइना में उसे लोन पे करना है। अगर यूएस में बहुत कम इंटरेस्ट रेट हो जाता है, दोनों का डिफरेंशियल ही नहीं रहता है, तब तो उसे लॉस होने लगेगा ना, क्योंकि यहाँ पे आपको करेंसी भी देखना है। क्योंकि जब भी यूएस का इंटरेस्ट रेट नीचे जाने लगेगा तो वहाँ का जो करेंसी है वो वीक होने लगेगा, तो जब यूएस का डॉलर वीक होने लगा तो नेचुरली उससे रिलेटिव टू जो दूसरे करेंसीज है, लाइक यहाँ पे चाइना, चाइनीज युआन है, थोड़ा एप्रिसिएट करने लगेगा, तो उसके कारण भी रिटर्न हिट होगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब वहाँ से पैसा निकलेगा यूएस से और चाइना में आने लगेगा तो बहुत ज़्यादा पैसा ना, 500 बिलियन US डॉलर्स, 1 ट्रिलियन, पूरा पैसा तो नहीं निकलेगा ये अग्री, लेकिन अच्छा खासा पैसा निकल सकता है। तो मान लीजिए 500 बिलियन US डॉलर्स निकल जाए या फिर 1 ट्रिलियन US डॉलर्स के आसपास निकल के चाइना में वापस आए, जब उतना ज़्यादा US डॉलर्स का पैसा चाइना में आएगा तो जो चाइनीज़ करेंसी है युआन वो बहुत ज़्यादा एप्रिसिएट कर सकता है। तो बोला जा रहा है कि 5-10% तक एप्रिसिएट कर सकता है। तो ओवरऑल ये जो ना चाइनीज़ इकोनॉमी है उसके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि चाइना वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, और जब भी आप सबसे बड़े एक्सपोर्टर होते हैं तो आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि आपका जो करेंसी वो ज़्यादा एप्रिसिएट नहीं करे। इसलिए चाइनीज़ युआन को देखें ना, हमेशा वो कंट्रोल में रखता है चाइना, उसे कभी भी ज़्यादा एप्रिसिएट करने नहीं देता, ज़्यादातर केसेस में डिप्रिसिएट करके रखता है। तो यहाँ पे अगर ज़्यादा एप्रिसिएशन होता है तो चाइनीज़ इकोनॉमी, जहाँ की ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रहा है, वहाँ पे प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इस तरह का कुछ होता है अगर ना युआन कैरी ट्रेड का अनवाइंडिंग, तो उसके कारण भी वर्ल्ड ओवर आप स्टॉक मार्केट्स में प्रॉब्लम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑफकोर्स ये मैं क्लियर कर दूँ कि इमीडिएटली ये नहीं होने जा रहा है, में कुछ टाइम लगेगा ना, कि यूएस में इंटरेस्ट रेट कट होंगे, धीरे धीरे डिफरेंशियल थोड़ा कम होगा, क्योंकि यहाँ पे चाइना भी तो रेट कट करेगा ना, तो डिफरेंशियल देखना पड़ेगा। जब वो कम होने लगेगा ना, तो एक मोमेंट के बाद जब इन्वेस्टर्स को लगा नहीं अब डिफरेंशियल बहुत कम हो गया, यहाँ पे इन्वेस्ट करने का मतलब नहीं हो, तब वो वहाँ से निकलेंगे। तो यहाँ पे टाइम लग सकता है, होगा नहीं होगा ऑफकोर्स फ्यूचर में ये पता चलेगा, बट हाँ एज अ इन्वेस्टर हमें इसे भी ध्यान में रखना चाहिए। आज का सेकेंड अपडेट वर्ल्ड की ऐसे टॉप कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में है, जो कि वर्ल्ड वाइड ज़्यादातर इन्वेस्टर्स का फेवरेट स्टॉक रहा है, और ये कंपनी है एनवीडिया। एनवीडिया का कल क्वार्टरली रिजल्ट्स आया है, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ऑफकोर्स आपको इसके बारे में जानना चाहिए। एनवीडिया का अगर आप मार्केट कैप देखेंगे तो वर्ल्ड वाइड जितनी भी कंपनीज हैं उसमें सेकंड नंबर पे आता है, सिर्फ एप्पल ही इससे ऊपर है, और मार्केट कैपिटलाइजेशन अबाउट 3 ट्रिलियन US डॉलर्स के आसपास है एनवीडिया का। एनवीडिया करती क्या है, तो ये एक AI चिप्स बनाती है जिसे हम GPU बोलते हैं। GPU का मतलब होता है ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। तो GPU का काम क्या होता है कि कंप्यूटर में जो भी ग्राफिक रिलेटेड टास्क है ना, उसको ये फास्ट कर देता है। लाइक पिक्चर आप देख रहे हैं, वीडियो आप देख रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, तो इस सभी का जो स्पीड है ये फास्ट कर देता है। तो इसीलिए AI का भी समय चल रहा है, तो GPUs का डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और वर्ल्ड वाइड अगर आप देखेंगे तो ये जो AI रिलेटेड चिप्स हैं, एडवांस चिप्स हैं, उसमें मार्केट शेयर 90-95% अकेले एनवीडिया का है। तो आप समझ सकते हैं इसका इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है। यहाँ पे आप एनवीडिया के क्वार्टरली रिजल्ट्स का डिटेल चेक कर सकते हैं। उससे पहले तो सबसे पहले अगर आप ऊपर का लाइन देखेंगे ना, रिटर्न्स 2022 एंड से अभी तक का इसका रिटर्न्स देखेंगे, 9-fold रिटर्न है, ह्यूज रिटर्न्स। और रेवेन्यू अगर आप देखेंगे, रेवेन्यू मीन सेल्स, तो क्वार्टरली सेल्स इनका 122% से बढ़ा है, जो कि फिलहाल फिगर टर्म्स में अगर आप देखें तो 30 बिलियन US डॉलर्स है। और पिछले 4 क्वार्टर से इनका जो सेल्स ग्रोथ रहा है वो 100% प्लस का रहा है। आप समझ सकते हैं इतना ज़्यादा ग्रोथ है, इसीलिए स्टॉक बहुत तेज़ी से ऊपर गया है इसका। और नेट इनकम भी अगर आप देखेंगे तो मोर देन डबल हो गया है। तो इसी साल लास्ट क्वार्टर का अगर आप इनका इनकम देखेंगे, नेट इनकम मीन्स प्रॉफिट 6.18 बिलियन US डॉलर्स हुआ करता था, जो कि अभी बढ़कर 16.6 बिलियन US डॉलर्स हो चुका है, ह्यूज। और इसीलिए बायबैक प्रोग्राम अगर आप देखेंगे ना, जो कि स्टॉक्स का बायबैक होता है, 50 बिलियन US डॉलर्स का बायबैक ये करने जा रहे हैं। अभी एनवीडिया से रिलेटेड जो भी डिटेल्स हमने चेक किया उसे देखकर आपको लग सकता है कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, स्टॉक मार्केट पे तो परफॉर्मेंस और ऊपर जाएगा, लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट के बाद
2% से भी ज़्यादा ये स्टॉक गिरा, और आफ्टर मार्केट का अगर परफॉर्मेंस देंगे तो 7% के आसपास गिर गया है एनवीडिया का स्टॉक। और सिर्फ यूएस में ही प्रॉब्लम नहीं हुआ है, वर्ल्ड वाइड बहुत सारे स्टॉक मार्केट्स में देखेंगे ना कि वहाँ का जो आईटी स्टॉक्स है वो गिरा है। तो देखिए गिरने का रीज़न क्या, ग्रॉस मार्जिन इस बार का देखेंगे तो 75.1% का रहा है। 75.1% का ग्रॉस मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है, ह्यूज। लेकिन पिछले साल के क्वार्टर में देखेंगे तो वहाँ ये 78.4% था, तो पहले के मुकाबले थोड़ा कम हुआ है। अभी भी बहुत ज़्यादा है लेकिन थोड़ा कम हुआ है, तो ये एक नेगेटिव रहा। और साथ ही एनालिस्ट्स का अगर आप एस्टिमेट देखेंगे तो एनालिस्ट ये मान के चल रहे थे कि ना ईयरली ग्रॉस मार्जिन अबाउट 76.4% के आसपास होगा, लेकिन कंपनी का बोलना है कि नहीं वो मिड 70% के आसपास रहेगा, दैट इज 75% के आसपास, तो वहाँ भी थोड़ा बहुत कम हुआ है। एनवीडिया के स्टॉक के गिरने का एक और रीज़न क्या है कि देखिए इनका एक नया जीपीयू आ रहा है ना, जीपीयू, एआई जीपीयू ब्लैकवेल, तो ऐसा माना जा रहा है कि इसका जो डिलीवरी है ना वहाँ पे डिले हो सकता है, क्योंकि अभी जो इनका जीपीयू है ना वो है हूपर, तो जो भी ये जो परफॉर्मेंस आ रहा है ह्यूज परफॉर्मेंस उसी के कारण आ रहा है, तो उससे भी एडवांस्ड जीपीयू एआई आ रहा है जिसका नाम है ब्लैकवेल। तो वहाँ पे मार्केट को लग रहा है कि शायद, क्योंकि डिमांड तो बहुत है उसका नो डाउट, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद डिमांड को पूरा करने का सप्लाई नहीं हो पाएगा कंपनी के एंड से, थोड़ा डिले होगा, तो इसके कारण भी स्टॉक पे प्रेशर है। और थर्ड रीज़न है देखिए इसके कस्टमर्स, बहुत बड़ा बिजनेस है ना, तो इतना बड़ा बिजनेस तो कंपनी से कौन खरीदेगा, तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वर्ल्ड की वही इसे खरीदेंगी इतना बड़ा अमाउंट, तो माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजोन है, मेटा है, अल्फाबेट है, तो ये टॉप कस्टमर्स हैं, तो ज़्यादातर जो बिजनेस है एनवीडिया का वो इनके थ्रू ही है। तो ऑफकोर्स आपको पता है ना जब आपका कॉन्सेंट्रेटेड होता है कस्टमर सेट तो एक रिस्क होता है कि अगर कोई कस्टमर फ्यूचर में निकल जाता है तो आपका बिजनेस बुरी तरह से हिट होगा। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसके कारण स्टॉक प्राइस पे थोड़ा फर्क पड़ा है, थोड़ा नेगेटिव गया, ऑल्दो ओवरऑल जो रिजल्ट है ज्यादातर केसेस में एनालिस्ट का जो भी एस्टिमेट था उससे अच्छा आया है। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में जरूर मेंशन करें, मैं आने वाली वीडियोस में उसे आंसर करने की कोशिश करूंगा। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।